हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तिमकी गार्डन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, तो आप सब कैसे हैं? ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ सब आप सब अच्छे हों। बोलने में जो भी गलतियाँ हो जाए तो कान पकड़ कर सॉरी माफ़ी चाहती हूँ और पैर छूकर धन्यवाद कर रही हूँ। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से बता दूँ कि आज मैं तुलसी जी के बारे में बताने वाली हूँ और सर्दियों में तुलसी जी को किस प्रकार से बचाएं, क्योंकि सर्दियों में ये पौधा ख़राब हो जाता है। तो आज मैं तुलसी माता की बात करने वाली हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मेरा तुलसी का पौधा कितना हरा भरा है, देख सकते हैं आप कितना हरा भरा है, कितना ग्रोथ किया हुआ है और इसमें से लगा हुआ है इस पॉट में। अभी मैंने पानी वानी डाला है थोड़ा, दो दिन के बाद, क्योंकि इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए और इसको सलाड में रखना चाहिए, धूप ज़्यादा चाहिए इसको। तो फ्रेंड, मैं यही बताने वाली हूँ कि इसको सर्दी बहुत नुकसान करती है, ये सर्दी नहीं सह पाता ये पौधा। तो इसको सर्दी से हमें बहुत ज़रूरी है इसको बचाना। तो या तो हम यहाँ पे एक डंडा लगा करके और इसमें छाता लगा सकते हैं, तो ये शाम की जो ओस पड़ती है वो इसको तुलसी जी को बहुत नुकसान करती है कि इसकी पत्तियाँ बिल्कुल काली काली सी हो जाती हैं। मेरी जो देखिए ग्रीन है एकदम से सही हैं, तो इसकी पत्तियाँ काली काली हो जाती हैं और पूरा पौधा हमारा ख़राब हो जाता है और पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं। तो फ्रेंड, हमें इसको बचाना है तो या फिर हम इसको इस प्रकार से इसके ऊपर हम इस तरह से चुन्नी उड़ा सकते हैं। रात को पोले पोले से ज़्यादा नहीं, पूरे में उड़ा सकते हैं, बड़ी चुन्नी हो। ये तो मेरी छोटी है तो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, और उड़ा सकते हैं इसको। मेरी दो हैं तो मैं रात में ऐसे करके ऐसे इसको डाल देती हूँ इसके ऊपर, और ज़्यादा बड़ा नहीं है, चुन्नी है फ्रेंड। तो इस प्रकार से हम इसको रात में हम इसको डाल देते हैं, इस प्रकार से डाल देते हैं तो जो ओस होती है तो इसके डायरेक्ट इसके पत्तियों के ऊपर नहीं पड़ती फ्रेंड, तो इसको नुकसान नहीं करती। तो इसकी पत्तियां जो है ना गिरती नहीं है और ना ही ख़राब होती काली होती। और या फिर फ्रेंड दूसरा इसका तरीका ये है कि अगर हमारे सटे सटाए पौधे रखे हैं 3-4, तो हम ऐसा करते हैं 3-4 पौधों के बीच में इसको रख देते हैं। तो 3-4 पौधों के बीच में रख देते हैं तो ये वो सब पौधे कवर कर लेते हैं, इसके ऊपर नहीं पड़ने देते, तुलसी माता जी के ऊपर नहीं पड़ेगी ओस, और वो पत्तियां जैसे हैं घनी घनी तो वो कवर कर लेगी। तो फ्रेंड, हमको तुलसी जी को इसी प्रकार से बचाना है, या फिर हम डंडा लगा के यहाँ छाता लगा सकते हैं, तो आप इस प्रकार से बचा सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, मेरी एक तुलसी जी का प्लांट है जो ऐसे ही लगा हुआ है, तो मैंने उसको नहीं बचाया क्योंकि वो बोतल में लगा था प्लास्टिक की। तो देखिए उसकी क्या हालत हो गई है, देख लीजिए आप खुद ही, आप देख लीजिए इसकी क्या हालत हो गई है। देखिए इसकी पत्ती एकदम से ख़राब हो गई हैं और बेचारी सूख गई है तुलसी जी, और इसकी पत्तियाँ देखो रूखी रूखी सी सब गिरने लगी हैं, गिर गई हैं ना नीचे, देखिए एक भी पत्ती नहीं बची। और देखिए पत्ती तुरंत हाथ में छूने से पत्तियाँ इस प्रकार से गिर जाती हैं, देख सकते हैं आप, जैसे हाथ में छूते हैं तो इसकी पत्तियाँ हाथ में आ जाती हैं, ये गिर जाती हैं, मतलब जैसे ओस में ख़राब हो जाती हैं। तो फ्रेंड, हमको ओस से इसको बचाना है, जो ठंडी ओस पड़ती है सुबह की उसको हमें बचाना है फ्रेंड। तो हम इसी प्रकार से बचा सकते हैं, और दिन में तो हमें इसको खूब धूप चाहिए, दिन में तो इसको धूप में रख दें, सारे दिन की धूप लगे तो अच्छा है, ख़राब नहीं होता ये धूप में। और रात में बस हमें इसको बचाना है फ्रेंड, तो रात में हम इसको इसी प्रकार से बचा सकते हैं, या इसके ऊपर से चुन्नी उड़ा दें पूले पूले, ज़्यादा दाबे नहीं इसको, ऊपर से पोले पोले करके डाल दें हम, तो ये ओस है तो चुन्नी कवर कर लेगी। या फिर हम यहाँ पत्तियों के बीच में, तो फ्रेंड मैं यहाँ पास रख देती हूँ इसको, अभी उठा करके मैं अभी आपको बताने के लिए निकाल ली हूँ, इसको उठा करके वहीं पास रख दूँगी और ये चुन्नी ऊपर से इसके ढकी रहेगी, तो क्या है ना इसकी पत्तियाँ ख़राब नहीं होगी फ्रेंड, और ये मेरी उसी तरह ठंडी में चलती रहेगी तुलसी जी, उसी तरह ग्रोथ करती रहेगी। तो फ्रेंड, आप भी इसी तरह अपनी तुलसी जी को, तुलसी माता जी को बचा सकते हैं। और देखिए कितनी हरी हरी बढ़िया एकदम से ग्रीन ग्रीन इसकी पत्तियाँ हैं, कितनी सही हैं, देख सकते हैं आप, नहीं ख़राब हुई है ना, देख सकते हैं एकदम से ग्रीन दिख रही है, क्योंकि धूप है तो मुझे अभी उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा।
और ना ज़्यादा इसकी पत्तियाँ कोई पीली भी नहीं हुई हैं। अब एक दो हो जाए तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन देखिए, और हम चाय के लिए कभी कभी टोल लेते हैं, इससे दवा में भी आती है फ्रेंड, और इसकी पूजा भी हमें करनी चाहिए। शाम सुबह इसमें दीपक भी चलाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता जी की पूजा होती है, हमें पूजा भी करना चाहिए। और देख सकते हैं आप, मैं घुमा के दिखा रही हूँ कितना भरा हुआ है इसका प्लांट, ये पौधा देख सकते हैं आप, और इसमें से लगा हुआ है, इसमें से लगाया मैंने, और कितना ग्रोथ किया हुआ है। तो फ्रेंड, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपनी तुलसी जी माता जी को आप भी इसी तरह बचा सकते हैं ओस से और ठंड से, क्योंकि इसको ठंड बहुत लगती है, नुकसान करती है ओस सबसे ज़्यादा फ्रेंड, इसको नुकसान करती है। क्योंकि मुझे पता चला कि ये पौधा मेरा छुपा था तो ये ख़राब नहीं हुआ, और वो डायरेक्ट उसमें ओस पड़ती है तो वो इसलिए ख़राब हो गया फ्रेंड, उसमें डायरेक्टली पूरी ओस पड़ जाती है बेचारे के ऊपर, वो ख़राब हो गया। इसको मैंने छुपा लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों से भी ये बात शेयर कर दूँ, आप भी अपनी तुलसी जी को बचा लें इसी प्रकार से। तो बाय बाय फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना, बोलने में जो भी गलती हो तो माफ़ करिएगा, पैर छूकर धन्यवाद भी कर रही हूँ। तो बाय बाय, लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड, अजय हो तुलसी माता जी की, सब बोलिए तुलसी माता जी की जय। और अगर आपको कोई जानकारी पता हो तो आप भी कमेंट में बता सकते हैं इसके बारे में, तुलसी माता जी के बारे में आप भी कमेंट में बता सकते हैं। तो बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंडो, और लव माय गार्डन, लव माय फ्रेंड, बाय बाय।